ज्ञान को कुछ है तो ज्ञान सीधा कर्मों में नहीं आता, इसलिए कहते हैं सुनना पढ़ना सब कुछ नहीं है। हम बहुत कुछ सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, हम शिव बाबा के बच्चे उंगली भी रोज सुनते हैं, लेकिन वो ज्ञान आचरण में नहीं आता। उसके कारण हमारे कर्म जो श्रेष्ठ कर्म होना चाहिए, भगवान जो ज्ञान देता है, श्रीमद देता है, उसके श्रीमद के अनुसार अगर हम कर्म करते हैं तो शिव बाबा बताते हैं एक का पदम गुना गारंटी देता है, एक ही जन्मों के लिए उसका फल मिलेगा। दुनिया में मनुष्य कहता है एक का एक गुना, अभी भी आप एक बीज धरती में डालो, आज भी ये धरती 10, 15, 20, 25 बीज देगी, लेकिन भगवान गारंटी करते हैं कि मेरे श्रीमद पर चलो। नहीं तो ऐसे दुनिया में मनुष्य चार प्रकार से कर्म करता है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद एक कर्म बढ़ता है, पांच प्रकार के कर्म होते हैं। एक है कर्म, एक है अकर्म, एक है विकर्म, एक है सुकर्म। पुण्य का हॉस्पिटल खोलते हैं, कॉलेज खोलते हैं, इसको दान देते हैं, बहुत प्रकार तो वो भी एक का एक गुना नहीं, क्योंकि वो जो हम दे रहे हैं मनुष्य शरीर को दे रहे हैं, शरीर समझ के शरीर को दे रहे हैं। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद एक कर्म है श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ श्रेष्ठ कौन है? भगवान जो ज्ञान का सागर है, सृष्टि का रचयिता है। वो आगे इस कलप के अंतिम समय ब्रह्मा मुख द्वार है, ये ज्ञान देते हैं किसको? अपने बच्चों को। इसलिए भारत एक देश है भगवान को माँ बाप कहते हैं, सारा विश्व भगवान को गॉड फादर कहते हैं, वो बाप है। लेकिन भगवान कैसे सृष्टि पर आएगा, किस तन में आएगा? तो निराकार साकार ब्रह्मा के तन में, दादा लेखराज के तन में आकर उनको पहला ज्ञान देगा, तब उनका नाम पढ़ा। सारा ब्रह्मांड का ज्ञान जिसके पास है तो उसको कहते ब्रह्मा। तो ब्रह्मा के मुख से निराकार शिव बाबा ने परमात्मा ने हमको ज्ञान सुनाया, तो हम ब्रह्मा कुमार तो माँ बाप के श्रीमद पर अगर हम हर कदम उठाते हैं, हर कर्म करते हैं, उसको कहा श्रेष्ठ कर्म। तो वो कर्म वर्ग इस वर्ष वो कर्म पूजनीय बनता है, याद ना